नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस और स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियोस में। तो दोस्तों, हम लोग जो करने जा रहे हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बिहार लोक सेवा आयोग का किसी भी वर्ष का अगर पेपर लीजिए तो उसमें देखिएगा कि 30-40% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाए या इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका बीपीएससी का जो 63वीं जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 1 जुलाई को 2018 को, तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं और ये वन लाइनर बेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होता था कि कंफ्यूजन होता था, उसको बार बार ऑप्शन में जो है प्रोनाउंस करो, इसलिए मैंने इसे क्या रखा है वन लाइनर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी अपडेट हो वो आपको मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी इम्पोर्टेंट होगा जो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वीडियोस बने, चाहे स्पेशल बिहार स्पेशल को लेकर बने, या टेस्ट सीरीज बने, या मॉडल प्रैक्टिस सेट बने, सारे आप लोगों को मिलता जाए। और मैंने एक और भी इनिशिएटिव शुरू किया है डेली एमसीक्यू का, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा, अगर विश्वास ना तो क्वेश्चन उठाइएगा उसको सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कुछ किसी वेबसाइट पे। तो वैसे ही मैंने क्या किया, बहुत सारे सोर्स से जो डेली करंट अफेयर एमसीक्यू मैंने चालू किया, तो प्लीज उसको भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, जो बीपीएससी का 63rd जो एग्जाम हुआ था हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था हुंकार। और स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित आपको हर एक क्वेश्चन या हर एक वर्ष में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का बिहार किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, याद रखना है 1929 और 1930, ठीक है। और उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशन किया था, तो क्या था, हुंकार, उनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लीजिएगा जरूर। अगला प्रश्न है दूसरा कि पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। तो जो अनुशीलन समिति जो था दोस्तों क्या था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसकी जो है पटना में एक शाखा का स्थापना हुआ था, उसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबेर और के एन सिंह, इनमें से बस 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम बोले तो देखिए, जो स्वामी सहजानंद है उन्होंने बिहार किसान सभा फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, तो इस चीजों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो वर्ष 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, कौन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, इम्पोर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि ए एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, इनमें से बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो है सदस्य कौन थे। देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन आए, देखिए ये चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन कौन सा है, ई का मतलब क्या था, इनमें से कोई नहीं या एक या दो से अध्यक्ष। तो जो ये मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था उसका भी आंसर क्या था, ई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही है यहाँ पर आपका ए एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, इनमें से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो दो थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद थे और एक कौन थे, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर है मोहम्मद यूनिस, आंसर क्या है, मोहम्मद यूनिस, कब, तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, लॉर्ड मिंटो को, किसे, लॉर्ड मिंटो को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन आयोग विरोधी रैली, चंपारण सत्याग्रह और भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर इनमें से किसके दौरान जो है पटना का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों अगर हम बोले तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है नाम, ठीक है, गांधी मैदान, वो मेरे हिसाब से तो स्वतंत्रता के बाद पड़ा था, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ आंसर पता हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि बीपीएससी का आंसर की भी जो उल्टा पुलटा होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट का नुकसान हो गया, अगर पहले आंसर की से किसी को 100 आता तो दूसरे आंसर की सोच रहा हो गया 94, एक नंबर दो नंबर से मिस हो गया,
है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कुछ डाउटफुल क्वेश्चन भी होते ही होते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के सामने कि फिरोज शाह मेहता, के टी जो है तैलंग, डब्ल्यू सी बनर्जी और तैयब जी, इनमें से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था उसकी स्थापना आपका 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी, तैयब जी और जो के टी जो तैलंग थे इन सभी ने मिलकर किया था। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका होगा इसका आंसर ई। तो याद रखिएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये सब के सब थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। और कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा। किसे? मदन लाल ढींगरा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन किया गया था? तो भारतीय उच्चायुक्त का जो पद है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उसका सृजन हुआ था। फिर है अगला प्रश्न कि प्रथम द्वितीय तृतीय और सभी में भाग लिया और इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर भी क्या है, ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका ऑप्शन ई है और ई में से क्यों नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1924 में बेलगांव में जो हुआ था। अगला है जो है पैथिक लॉरेंस वेवेल, उसके बाद स्टेप फोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो आंसर क्या होगा, वेवेल। अगला है नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने, रहमत अली ने नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा था। और सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने। अगला है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1900 में। उसके बाद राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती? सरदार पटेल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सरदार पटेल की। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 9। आंसर क्या था? 9। फिर है एक व्यक्ति अपनी आय का जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, इसे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा इसका आंसर है 2400 रुपए। और उसके बाद है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 140%। उसके बाद 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है, उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, 5 महिलाएं और 10 बच्चे उसे काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? 7 दिन। अगला यहाँ पर 1190 के बीच में कितनी संख्या है जो 11 से भाग हो जाती है, 7 से भाग हो जाती है, तो 11। अगला है एक व्यक्ति स्थित पानी में जो आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे से नौकायन कर सकता है, यदि 1.5 घंटे प्रति किलोमीटर जो है घंटे की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने में और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं तो उस स्थान की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यही दिया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो है 4624 रुपए तथा 3 वर्ष में 4913 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है? आपका 4096 रुपया। उसके बाद है एक व्यक्ति जो है 20 रुपए के मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, तो प्रति शेयर का भाव कितना होगा? 15 रुपया। फिर ये गणित का प्रश्न है, ठीक है, तो इसलिए इतना देखने की बात नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कांच क्रिस्टल किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। याद रखिएगा जो घड़ी में प्रयोग होने वाला कांच क्रिस्टल जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। और ब्रोमीन कैसी होती है? ब्रोमीन जो है लाल द्रव। कैसे दोस्तों? लाल द्रव। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है ग्लेवनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की। जो ग्लेवनाइज्ड लोहे होते हैं उसके ऊपर जो है ना जस्ते की परत होती है। और दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? 3900 से 7600। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर होगा 3900 से 7600। और कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? सल्फोनेट। कौन सा है दोस्तों? सल्फोनेट। अगला है यहाँ पर गंधक लोहा मैग्नीशियम और जस्ता, इनमें से वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से किससे उत्सर्जित होता है? देखिए मैग्नीशियम भी होता है, आप जो इसीलिए
तो इनमें से आंसर यहाँ पे दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों मैग्नीशियम तो होता है, इतना तो पता है, और भी होते हैं इसमें, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर है इसका ई, इनमें से कोई नहीं। अगला है नीला थोता रासायनिक रूप किससे है, कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कौन सा कहलाता है, न्यूक्लियस, कौन सा कहलाता है, केंद्रक जो होता है वो आपका धनावेशित हिस्सा होता है। अगला आपका एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववात, जो आप कहते हैं ना ऊर्ध्वपातन, ठीक है, तो आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अगला है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है, आप कहते हैं ना पचाता या चयापचय, जो चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट को, किसका, कार्बोहाइड्रेट को। अगला है पेंसिलिन एस्पिरिन पैरासिटामोल और सल्फा डाइजिन, इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पेंसिलिन तो एक है ही, उसके बाद जो एस्पिरिन को भी कहा जाता है कि नहीं, जो सल्फा डाइजिन है ये भी है, पैरासिटामोल जो है एंटापैरासिटिक है, तो ये नहीं है, बाकी इसमें से दो से ज्यादा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा है इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है गेहूं जौ चावल और मक्का इनमें से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो चावल में। अगला है सोना चांदी पारा और प्लेटिनियम इनमें से सबसे भारी कौन है, प्लेटिनियम। उसके बाद अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील एक किसकी मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम की, किसकी, ये बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या किसका बना होता है, तो जिप्सम का, किसका, जिप्सम का। अगला प्रश्न है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह कहलाता है एल्कीन, क्या कहलाता है दोस्तों, एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु जयपुर इंदौर और दीव इन समा जो है स्मार्ट शहरों में से कौन सा जो है दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया, वो था दीव। अगला है महमूद अबूजिद ने 2018 यूनेस्को गिल उसके बाद गिल कहते हैं ना गिल बोरो या ठीक है गिल मोरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता किस देश के थे, तो मिस्र के। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था, तो मलेशिया के बीच। और किसे केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री जो है वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च की, आंसर है पर्यटन मंत्रालय। उसके बाद है भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर में किया गया, मुंबई में, कहां पे हुआ था, मुंबई में। अगला है बस 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, 138वीं। उसके बाद किस संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए संस्थान संगठन श्रेणी में बस 2018 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर था DRDO वैज्ञानिक और अनुसंधानिक परिषद CSIR याद रखिएगा, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद। उसके बाद है आपका केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है, पश्चिम बंगाल था। उसके बाद 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया, आंसर है सूरत। उसके बाद है आपका सिडनी में वर्ष 2018 ISAF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, अनिश भानवाला। कामरूप में गांवों को विकास जो है विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो समझौते में हस्ताक्षर किया, असम। उसके बाद किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है, मध्य प्रदेश। और उसके बाद किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST जो है 6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया, GSLV जो है A उसके बाद 08। उसके बाद जो है आपका वर्ष 2018 अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था, वन और अस्थाई शहर। उसके बाद मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन से चुना गया, अब्दुल फतह अल सीसी। उसके बाद है वर्ष 2017 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए, श्री कुमारन थम्पी। उसके बाद भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व का कौन सा स्थान हासिल किया, दूसरा।
उसके बाद गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की, तो रूपश्री योजना किससे संबंधित है दोस्तों, वहां पे दो योजना है तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो एक है आपका कल्पक ऐसे कुछ नाम है और रूपश्री, तो आंसर क्या है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है दोस्तों नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपए। उसके बाद ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सुरेश प्रभु। उसके बाद बिहार के मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया जिले में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आंसर क्या है आपका पूर्णिया। उसके बाद महाबोधि बिहार, नालंदा में बोध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल और शेरशाह सूरी का मकबरा, इनमें से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसमें से दो है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और एससीईपी के बीच समझौता ज्ञापन को जो है मंजूरी दी है, तो ये क्या है, ये आपका एक जो है आपका दक्षिण एशिया एस, उसके बाद है सी, ठीक है एससीईपी, तो साउथ एशिया कॉर्पोरेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एससीईपी, तो आंसर हो गया दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। उसके बाद है पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उत्तर प्रदेश। अभी जो है आजकल का ही न्यूज है, मैंने जो दिल्ली करंट अफेयर डाला है कि दिल्ली ने है जो 12 से ज्यादा सर्विस के लिए सियोल के साथ किया दक्षिण कोरिया के साथ ही समझौता। अगला भारतीय वन अनुसंधान और जो शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों को समर्थन करने के लिए TIFC के साथ समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर किया है, तो आपका जो है ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये इसका आपका है कहाँ पर, देहरादून में। और किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भू जल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है, आंसर है भारत यूके संयुक्त टीम। उसके बाद बाढ़ सुपर थर्मल पावर जो है स्टेशन कहाँ पे है, बिहार में। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सौर जो है गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो आंसर किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियाई विकास बैंक। अगला है भारत ने किन देशों के साथ औसैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, रूस और बांग्लादेश। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पक्की ईंट से बनी इमारत। मेघ स्थलीय किसका दोस्त था, सेल्यूकस का। पटेल की पुस्तक अर्थात किस विषय पर आधारित थी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध का। राज के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता, इनमें से अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, इनमें से कोई नहीं, आंसर है एक से ज्यादा, ठीक है। शांति और अहिंसा तो था ही, और बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये दो चीज तो थे ही धम्म का, तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। अगला है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख मिलता है, मेगस्थनीज की बुक इंडिका में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइया ने किसके शासनकाल में भारत में यात्रा की थी, चंद्रगुप्त दो। उसके बाद चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है हमें, हम्पी में। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, बलबन। उसके बाद भारत में कागज का प्रथम जो है प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। रौप्य चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ, अकबर के द्वार में। भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो अकबर। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के काल में, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिया। और सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा, इनमें से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, आंसर क्या था ग्वालियर। उसके बाद है दोस्तों आप लोग के सामने कि नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता को कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज, इनमें से गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, एकमात्र उद्देश्य इसमें से ज्यादा थी, ठीक है। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था कि जो है नमक कानून को निरस्त करना, लेकिन इनमें से ज्यादा, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1921 का मपला विद्रोह कहाँ पे, केरल में। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के शरीर 1907 में स्टार्ट हो गया। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में। उसके बाद किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो ये गलत है दोस्तों, वैसे अगर हम देखें तो बिहार अलग राज्य है 1912 में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर दोस्तों 1935 ही होगा, क्योंकि उसके बाद जो है देखिए पहले बिहार बंगाल उड़ीसा सब एक ही था, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता जनोपयोगी सेवा और सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो आंसर क्या होगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है। उसके बाद किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया, तो बिहार उत्तराखंड मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। धन विधेयक कहाँ पेश हो सकता है, लोकसभा में, आर्टिकल 110 भारतीय संविधान की प्रकृति क्या, प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, लोकसभा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो है लोकसभा का सदस्य, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति है 65 वर्ष और 62 है उच्च न्यायालय की। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या कौन सी है, असंगठित क्षेत्र। उसके बाद भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर इस बैंक का नाम क्या, कृषि तथा ग्रामीण जो है राष्ट्रीय विकास बैंक, ठीक है। उसके बाद है आपका 14वें वित्त आयोग के अनुसार जो है कितने प्रतिशत कर दिया गया था, तो 42%। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह सबसे ज्यादा है, तो सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल। भारत में सीमांत कृषि भूमि जो आकार क्या है, 1 हेक्टेयर से कम। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुख प्रवाह और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, इनमें से कौन वेश वितरण में सम्मिलित नहीं है, आंसर क्या होगा सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश। अगला प्रश्न है भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था, वर्ष 2005 में। उसके बाद है शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है, व्यापार जो है संबंधित निवेश उपाय, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड जो है आपका इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है सिस्टम, ठीक है। अगला नीति आयोग अस्तित्व में कब आई, 1 जनवरी 2015। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है, पटना में। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए वर्ष जो है 2004-05 से बदलकर 21 वर्ष को आधार वर्ष बनाया 2011-12। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है, बिहार की। बिहार में कृषि भूमि का जो औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, न्यूनतम से द्वितीय। उसके बाद भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो बिहार राज्य का। उसके बाद बिहार में नवीनतम जो है वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है, न्यूनतम। उसके बाद भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सबसे सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, तो आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा, वैसे सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ तक है कपास का, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है, न्यूनतम से द्वितीय। उसके बाद 2 मिलियन, 3 मिलियन, उसके बाद 5 मिलियन, इनमें से जो है आपका 10,000 जो ईशापुर में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, आंसर दिया इनमें से कोई नहीं। आगे कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल कौन सा है, पीटर्सबर्ग प्रदेश। उसके बाद है मूल आवश्यकता उपागम, उसके बाद सक्षमता उपागम, आय उपागम और कल्याण उपागम, इनमें से कौन सा उपागम से संबंधित है, सक्षमता, कैपेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद साओ पालो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, इनमें से कौन सा विश्व का कहवा पतंग के नाम से जाना जाता है, सेंटोस। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, देखिए सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत, तो अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन में, जो अगर हम वहां पे देखेंगे तो जो ऑप्शन था उसमें मेघालय नहीं था, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन था उसमें से आंसर हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अगला है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इनमें से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, जलोढ़ मिट्टी। अगला है आपका भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, 22%। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप से जानी जाती है, वर्ष 1921। उसके बाद तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, केरल। कॉफी में कर्नाटक। राष्ट्रीय जल मार्ग एक किसे जोड़ता है, हल्दिया को इलाहाबाद से, ठीक है। राजस्थान राज्य की खेतरी प्लेट किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा खनन के लिए। उसके बाद है कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है, CWG। उसके बाद
मुजफ्फरपुर दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नमूनी जलोढ़। बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सी है? पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक पर। उसके बाद है आपका जैन धर्म के प्रवर्तक महा जो है वीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है? पावापुरी। और कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कुछ आंसर गलत हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और प्लीज आप लोग के एडवाइस तो स्वागत के लिए ही है और मैं इसको ध्यान रखूंगा, और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।